हेलो दोस्तों, वी आर बैक अगेन। आज हम एक ऐसे कैंडलस्टिक की बात करने वाले हैं जो कि मार्केट के पूरे ट्रेंड को अपने अंदर ढक लेता है। जी हाँ, अभी तक हमने बात की है ट्रेंड लाइन की, सपोर्ट रेजिस्टेंस की और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो एक एक कैंडल्स बनती थी। अब यहाँ पर क्या होती है, दो कैंडल्स का एक फॉर्मेशन होता है, यानी कि इन कैंडल्स के फॉर्मेशन को बनने के लिए दो कैंडल की जरूरत होती है, उसके बिना ये बनते नहीं है। और ये क्या करते हैं, मार्केट की ट्रेंड में हेल्प करते हैं, या तो रिवर्सल में या फिर कंटिन्यूएशन में। अभी हम जो देखने वाले हैं, हम देखने वाले एक रिवर्सल पैटर्न जिसे बोलते हैं एंगल्सिंग। एंगल्स करना यानी कि ढक लेना अपने अंदर पूरा का पूरा, और फिर मार्केट की डायरेक्शन को ही बदल देना। देखो, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला आ रहा था, अब यहाँ पे एक एंगल्सिंग कैंडल बना हुआ है। ये मैंने कैसे पता लगाया एंगल्सिंग है? देखो, इसने पिछले वाली कैंडल को अपने अंदर पूरा ढक लिया है, यानी कि ये जो पिछली वाली कैंडल है, इसका ओपन क्लोज हाई लो सब इस वाली कैंडल के अंदर की तरफ है। ठीक है, इसके बाद ये क्या बताता है, देखो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पर एक एंगल्सिंग कैंडल आती है, और एंगल्सिंग कैंडल आने के बाद भी मार्केट अपना पोटेंशियली ट्रेंड चेंज करके एक बहुत अच्छा मूव देता है। किधर की तरफ मूव देता है, अपने जो पोटेंशियल ट्रेंड था उसके अगेंस्ट में मूव देता है। अभी और हम ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न को ढूंढते हैं जो कि एंगल्सिंग है। देखो, ये मैं थोड़ी सी लाइन हटा देता हूँ यहाँ से, ये हमने बनाई हुई थी ताकि हम ट्रेंड लाइन बना सकें, क्योंकि ट्रेंड लाइन पर अगर एंगल्सिंग कैंडल आती है तो बहुत अच्छा वर्क करती है। अब ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली, वो भी एडवांस तरीकों से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी एक एंगल्सिंग कैंडल बनता है, ये वाला भी, ठीक है। उसके बाद में ये भी एक एंगल्सिंग कैंडल बनता है, उसके बाद में ये भी एक एंगल्सिंग कैंडल बनता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये वर्कआउट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे वर्कआउट? पहली बात तो यहाँ पर मार्केट का कोई ट्रेंड है नहीं जिसको ये रिवर्स करे। आप बताओ मुझे, आपको यहाँ पर कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है? तीन कैंडल को ट्रेंड नहीं बोलते, दो कैंडल को ट्रेंड नहीं बोलते, तो इसलिए प्री एग्जिस्टिंग ट्रेंड होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये हो जाती है। अभी यहाँ पे देखो, ये भी एक एंगल्सिंग कैंडल है। अब यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग ट्रेंड था, कम से कम 10 से 15 कैंडल का एक ट्रेंड होना चाहिए, उसको ये रिवर्स करते हैं। अब देखो, इसने यहाँ पे इसको रिवर्स किया तो कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ से मार्केट में दिया, राइट। हालांकि मार्केट, सॉरी, मैं इतना बड़ा नहीं बनाऊंगा, इतना ही बनाऊंगा कि यहाँ से मार्केट दोबारा गिर भी गया था, ठीक है। और पीछे चलते हैं, देखो यहाँ पे एक एंगल्सिंग कैंडल दिया, ये भी एक एंगल्सिंग है, बड़ा अच्छा। कितने कैंडल्स का मूव है यहाँ पर? इतना अच्छा मूव है यहाँ पर। अभी एंगल्सिंग बना तो इसने पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स कर दिया और एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिया, ठीक है। और देखते हैं एंगल्सिंग को कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ तो एंगल्सिंग बनता ही नहीं है कोई भी, ठीक है। और पीछे की तरफ आते हैं, देखो यहाँ भी एक एंगल्सिंग कैंडल बन रहा है, ये एक एंगल्सिंग कैंडल है और प्री एग्जिस्टिंग ट्रेंड भी है। उसके बाद में एक एंगल्सिंग कैंडल आता है और मार्केट की ट्रेंड को चेंज करके रख देता है, ठीक है। और पीछे चलते हैं, देखो यहाँ से मार्केट का एक नेगेटिव ट्रेंड आ रहा था, साथ में एक एंगल्सिंग कैंडल आता है एंड में और मार्केट की ट्रेंड को रिवर्स करके रख देता है। अब हमें यह समझना होगा कि ऐसा कर क्यों रहा है, कि इसके पीछे का साइंस क्या है या इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो भी है वो क्या है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, अगर मैं बात करूँ सिंपली, तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, यानी कि गिरता चला जा रहा था मार्केट, मार्केट गिर रहा था। सेलर्स थे इसका मतलब, यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स ने यहाँ पर पुश करने की कोशिश की मार्केट को नीचे की तरफ, पर वहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए अचानक से बहुत ज़्यादा। और कितने एक्टिव हुए कि जो सेलर की कैंडल थी ये वाली, बायर्स ने क्या किया, इस सेलर्स की कैंडल को पूरा अपने अंदर एक कब्जा कर लिया। तो क्या होगा, अभी सेलर्स में पैनिक क्रिएट होगा कि यार कोई ना कोई तो आया है जिसने इतनी बड़ी क्वांटिटी डाली है कि ये जो सेलर है ना, अभी देखो सेलर क्या करना चाहिए था यहाँ पर, अगर जब बायर बाय कर रहा था तो सेलर यहाँ क्या करता, लॉजिकली अपना प्रेशर डालता, ये कैंडल को नहीं बनने देता, यानी कि एकदम इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं आने देता, क्योंकि सेलर भी तो अपनी क्वांटिटीज यहाँ पर रखता ना, बट यहाँ पर सेलर की क्वांटिटीज नहीं थी, या फिर सेलर एग्जिट हो चुका था यहाँ पर। तो बायर ने अपनी पोजीशन बनाई और बायर की पोजीशन सक्सेस हो गई, सक्सेस होते ही बायर ने मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, यही इसका लॉजिक होगा। थैंक यू एंड फॉलो मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।